मतलब 10 लाख में से जो है आपका 6 लाख रुपए सरकार रख लेगी। पिछले 2-3 दिनों पहले की बात है, कर्नाटका ने अपने राज्य में बैटिंग को बैन कर दिया। लेकिन अगर बैटिंग इलीगल होता तो ये लोग अभी कैसे करते हैं? बात समझने वाली बात है, अगर बैटिंग पहले से इलीगल होता तो ये लोग कैसे बैन करते हैं? तो ऑनलाइन बैटिंग के बारे में जानने के पहले हम लोग चलते हैं अंग्रेजों के जमाने में। साल था 1867 का। इस समय जो है पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। ये लोग जो कानून बनाते थे उसे ही पूरे देश में जो है लागू किया जाता था। तो 1867 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत गैम्बलिंग हो गया, कसिनो हो गया और भी ऐसे जो जुए की चीज़ें थी सबको इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया और इसके ऊपर सजा भी प्रावधान लगा दिया। मतलब अगर आप कोई गैम्बलिंग हाउस चलाते हैं, कैसीनो चलाते हैं या फिर सट्टा लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता था और साथ में जुर्माना भी जो है आपको देना पड़ता। और इस नियम को जो है अंग्रेजों के जाने के बाद भी लागू रखा गया, इसमें कोई जो है इन्हें हटाया नहीं गया। मतलब अभी भी जो है इंडिया में बैटिंग या गैम्बलिंग पूरी तरीके से इलीगल है। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं या फिर ऐसा करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको जो है 3 महीने तक की जो है जेल हो सकती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा तो लोग खेलते कैसे हैं? तो देखिए, मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले, ठीक है, बिहार में शराब जो है वो पूरी तरीके से बैन है, शराब पीना यहाँ इलीगल है। अब वही आप कहिएगा अगर सिगरेट कोई पीता है तो ठीक है, सिगरेट पीना मान लीजिए लीगल है, शराब पीना इलीगल है, सिगरेट पीना लीगल है। अब किसी ने जो है नई चीज बना दी, ऐसा चीज बनाया जिसके ऊपर अभी तक कोई आपको पता ही नहीं था। जैसे कैसे कुरकुरे एक नया चीज आ गया था कुछ साल पहले या कोई भी, तो मान लीजिए कोई नई चीज बन गई फुरफुरे, ठीक है। अब ये जो है इंडिया में ना लीगल है ना इलीगल है, अभी कोई नहीं जानता इसको। अब ये जो नई चीज़ आई तो आप कह सकते हैं कि इसे अगर हम करें खाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। कोई नया चीज़ आया, किसी चीज़ को मिला करके बना दिया, अब आप जब उसके ऊपर कुछ नियम ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं अगर इसे हम खाएंगे तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यही फायदा उठा लिया ऑनलाइन बेटिंग ने। अंग्रेजों ने जो नियम लगाया था वो गैम्बलिंग हाउस और इस तरह जितने भी ऑफलाइन होते थे उस पे लगाया था। तो साल जब आया 1996 का, साल आ गया 1996 का, तो 1996 में जो है ऑनलाइन बेटिंग की शुरुआत हो गई। तो ऑनलाइन बेटिंग की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जो है ऑनलाइन बेटिंग की जो कंपनियां थी भारत में भी आने लगी। तो इन्हें जो है कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि आप ही समझिए ऑनलाइन बेटिंग तो ना इलीगल तो थी नहीं, लेकिन इसे सरकार ने लीगल भी नहीं किया। मतलब समझ रहे हैं, इनके ऊपर कोई नियम ही नहीं था, जो चाहता था खेल सकता था, जो नहीं चाहता था नहीं खेल सकता था। लेकिन इसमें पेमेंट मेथड हो गया काफ़ी जटिल था। फिर इसके बाद जो है साल 2009 में जो 1xBet की शुरुआत हुई, 2007 या 2009 में जो है 1xBet एप्लीकेशन की जो है शुरुआत हुई। तो इस एप्लीकेशन ने जो एशिया के पूरे मार्केट को जकड़ लिया, मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों में जो है 1xBet ने अपना पूरा दबदबा बना लिया। और 2016 में जब इंडिया में UPI की शुरुआत हुई, 2015-16 में जब UPI की शुरुआत हुई तब पेमेंट बिल्कुल आसान हो गया। उसके पहले जब पेटीएम की शुरुआत हुई थी और UPI, इन दोनों सिस्टम पेमेंट सिस्टम से जो है पेमेंट बिल्कुल आसान हो गया और ये जो जितने भी बैटिंग कंपनियां आए इनके लिए आसान हो गया पूरी तरीके से। और 2016 के बाद जो है 1xBet पूरे इंडिया में अधिकतर लोग जो है, मतलब काफ़ी लोग जो है 1xBet पर खेलना स्टार्ट कर दिए। अब जो है ये पूरी तरीके से फैल गया, अब अधिकतर लोग खेलते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मेरे कई दोस्त हैं जो 6-7 साल से खेल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये ना तो लीगल है ना इलीगल है। और जब इलीगल है ही नहीं तो आप पे कैसे कोई केस हो सकता है या आपको पुलिस ले जा सकती है? तो क्या कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है। अब परेशानी क्या है वो आप समझिए। इंडिया के बैंक का नियम है, आप जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं उस पे आपको एक लिमिट दी जाती है। क्या लिमिट दी जाती है? 10 लाख रुपए तक। आप जो है साल भर में 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक अकाउंट से, अगर वो सेविंग अकाउंट है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपको करंट अकाउंट मिलता है, उसकी लिमिट 30 लाख तक होती है। लेकिन अधिकतर लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है जिससे वो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए जो आपने साल भर के, अगर आप छोटा मोटा अमाउंट खेलते हैं जैसे 500-1000 रुपये लगा रहे हैं, जीत रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा अमाउंट खेलते हैं जैसे 50,000 रोज लगा रहे हैं, 40,000 रोज लगा रहे हैं, तो क्या होगा अगर आप साल भर में 10 लाख रुपये से जो है ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं या 10 लाख रुपये से जो है ऊपर विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा। और उस नोटिस में आपको जो है 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए और आपने पैसे कहाँ पर खर्च किया। और अगर आप उस समय जो है ये रिकॉर्ड नहीं दे पाते हैं तो आपके जितने भी पैसे होंगे, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए से ऊपर होगा तब आएगा। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए है, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया और आप कोई जो है अपना पैसा का जो है नहीं दे पाए रिकॉर्ड, तो क्या होगा कि 60% पैसा जो है वो आपका सरकार रख लेगी। मतलब 10 लाख में से जो है आपका 6 लाख रुपए सरकार रख लेगी।
तो ये जो परेशानी है आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन अगर आप सोचते हैं कि आपने 3-4 अकाउंट बना लिए, कितने बना लिए? 3-4 अकाउंट आपने बना लिए, सबसे आप जो है 10-10 करके अगर देखा जाए तो आप 40 लाख जो है कर सकते हैं। ये आपके मन में सवाल जरूर आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जो देखता है वो आपका जो है बैंक अकाउंट नहीं देखता है कि एक बैंक अकाउंट से आपने कितना किया, वो क्या देखता है? आपका पैन कार्ड देखता है, आपका पैन कार्ड। और इंडिया में एक आदमी का जो है एक से अधिक पैन कार्ड जो है नहीं हो सकता है, बन ही नहीं सकता। अगर आप बनवाते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब समझिए, अब आप कहिएगा कि मैंने तो अपने बैंक में पैन कार्ड लिंक किया ही नहीं। अगर आपने पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो आपका पैन नंबर जाएगा कैसे? और अगर पैन नंबर नहीं है तो आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सुनिए, कुछ साल पहले नियम आया था कि आप, एक साल पहले, कि आपको अपना पैन कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ हर हाल में लिंक कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराइएगा तो आपका बैंक अकाउंट या किसी में भी जो है परेशानी आ सकती है। तो आपने अपना आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड जो है आपस में लिंक जरूर होगा। और अगर आपने आधार कार्ड से या पैन कार्ड दोनों में से एक चीज़ तो आपकी जरूर जमा होगी पैन बैंक अकाउंट में। तो चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे आपका पैन कार्ड हो, तो आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका डाटा जो है इनकम टैक्स पास जाएगा ही जाएगा। अगर आप कोई वीडियो देखिएगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसे नहीं देखता है। सिंपली अगर आप बैंक में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करते हैं या जमा कर निकालते हैं तो उसे देखता है। जबकि ये अगर आप देखिएगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑनलाइन आपका जो कुछ ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ से हो रहा है नहीं हो रहा है इसका जानकारी इनकम टैक्स को ऑलरेडी हो जाती है, लेकिन कैश में आप किसे पैसे दे रहे हैं किससे ले रहे हैं ये उसे नहीं पता होती है, इसलिए वो कैश पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन ऑनलाइन जो है बैटिंग वेबसाइट पर आप जितना भी खेलिएगा वो सिंपली आपको जो है किसी न किसी UPI ID से पैसे सेंड करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स को लगेगा कि आपका पैसा जो है कहीं गलत तरीके से आ रहा है तो आपके जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसके खिलाफ भी जो है आपको नोटिस मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। तो यहां पर बात यही निकलती है कि अगर आप ऑनलाइन बेटिंग करते हैं तो इसके ऊपर आपको जो है कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनको अधिकार है कि वो अपने अपने राज्यों में जो है और बैटिंग को बैन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों पहले की बात है, कर्नाटका ने अपने राज्य में बैटिंग को बैन कर दिया। इसके लिए इसे काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बैटिंग इलीगल होता तो ये लोग अभी कैसे बैन करते हैं? बात समझने वाली बात है। अगर बैटिंग पहले से इलीगल होता तो ये लोग कैसे बैन करते हैं? कर्नाटका ने हाल ही में जो है ऑनलाइन बैटिंग को जो है, या जितने भी इनके यहाँ ऑनलाइन बैटिंग कैसीनो जो कुछ भी है सब कुछ को जो है ये इन्होंने बैन करने का फैसला लिया है। और हो सकता है कि अगले 1 महीने से जो है कर्नाटका के लोग कोई भी बैटिंग वेबसाइट पर जो है विजिट भी ना कर पाए। तो अगर आपके लिए, आप भी कर्नाटका के हैं तो आपको इस बात की जानकारी अच्छे से होगी। तो बात का कंक्लूजन यही निकला कि ऑनलाइन बैटिंग अगर आप खेलते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बशर्ते आप अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट का जो है ध्यान रखें। अगर आप शौक के लिए या टाइम पास के लिए खेलते हैं तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।